हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज हम बात कर रहे हैं कैरोकान डिफेंस की सीरीज की, कैरोकान डिफेंस अगेंस्ट पैनो बोटोनिक अटैक। हम वाइट से खेल रहे हैं, तो हाउ टू प्ले अगेंस्ट कैरोकान डिफेंस, इसके सारे वीडियो बैक टू बैक आपको मिलते रहे हैं और भी मिलते रहेंगे। तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और आज शुरू करते हैं एक्सपोज ऑफ द H1 to A8 डायगोनल। क्या है H1 to A8 डायगोनल, मतलब ये पूरा जो डायगोनल है उसके ऊपर आज का वीडियो है। इसमें E4 और C6, D4, D5, E takes D5, C takes D5 ज्यादा मूव्स कॉमन होते हैं कैरोकान पैनो अटैक में। C4 यहां तक Knight F6, ये सारे मूव्स कॉमन है जो बहुत बार हम देख चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ मूव्स के बाद जब चेंजिंग आता है, यहां हमने चेंज किया है, ब्लैक ने E6 किया है इंस्टेड ऑफ Knight C6। E6 के बाद Knight F3 खेलना है आपको, Bishop E7, यहां आपको C takes D5 करना है। After Knight takes D5, यहां पे आपको आइसोलेटेड क्वीन पॉन की पोजीशन मिल गई है दोस्तों वाइट से। तो Bishop D3 ये एक बेस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट होता है, जब ऐसे स्ट्रक्चर होता है तो BD3 बहुत वर्किंग करता है। यहां पे ब्लैक करेगा कैसल, यहां व्हाइट भी कैसल। अब आप देख सकते हो कि व्हाइट, जिसके पास एक आइसोलेटेड पॉन है ऑन D4, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर बार आइसोलेटेड पॉन वीक होता है, लेकिन ओपनिंग में और सेंटर में आइसोलेटेड पॉन काफी वर्क करता है। यहां पे ब्लैक अगर B6 करता है तो यहां मैं आपको दूंगा क्वेश्चन मार्क, मग बहुत ही वीक मूव है यहां पे B6। इसके बाद फोर्स मूव्स आएंगे जिससे ब्लैक को रिजाइन करना पड़ेगा। देखते हैं Knight takes D5, Queen takes D5, Queen takes D5, उसके बाद Queen C2, यहां पर Bishop H7 की थ्रेट। तो क्या कर सकता है Queen H5 एक डिफेंस के लिए अगर खेलता है ब्लैक। यहां पे Bishop E4 और आपको ये रुक मिल जाता है। अगर Queen H5 नहीं खेलता है और G6 करता है तो Bishop E4 और यहां स्क्यूअरिंग में आपको रुक डायरेक्टली मिलता है। दोस्तों एक और गेम देखते हैं इसी पोजीशन से, E4, C6, D4, D5, Ed5, Cd5, then C4, Knight F6, Knight C3, E6, black played E6। यहां पे Knight F3, ब्लैक ने Bishop E7 किया एज यूजुअल, जो हमारी लाइन है C into D5, Knight into D5 और Bishop D3। यहां पे एक मूव का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज है, जो ट्रैक में हमने लास्ट टाइम देखा था उसमें Knight C6 नहीं था, यहाँ पे ब्लैक ने पहले से Knight C6 कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाइट यहाँ पे कैसल किया है व्हाइट ने। ये गेम 1997 की है दोस्तों, ज्यादा जानकारी की किसी को जरूरत नहीं होती, लेकिन सिर्फ फॉर योर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कैसल, उसके बाद ब्लैक भी कैसल किया, बहुत पुरानी गेम है दोस्तों। Rook E1 और B6। अब जो भी नई नई ओपनिंग सर्चिंग होती है दोस्तों, जिस ओपनिंग में चेंजिंग होता है, कुछ अलग मूव्स देखने को मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं आपको कि आप जब पुरानी गेम्स देखते हैं बहुत सालों पहले की, उसके बाद दिन ब दिन गेम में चेंजिंग आता रहता है। मतलब आप 1985 या 1980 की गेम देखेंगे, उससे डिफरेंट मूव्स आपको 1990 में और उसके ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव आपको 2000 में देखने को मिलेंगे। तो हर बार चेस इंप्रूव होता रहता है।
हमें भी अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है जब हम कंपटीशन खेलते हैं। अभी भी आप देखो बहुत सारे जीएम, ग्रैंड मास्टर्स, आईएम जो भी है अपनी ओपनिंग्स खेलते हैं, ओपनिंग में वो लोग भी कुछ ना कुछ चेंजिंग लाके ही खेलते हैं, क्योंकि एक ही एक घिसी पिटी ओपनिंग खेल के तो सब लोग बोर भी हो जाएंगे और ना तो उसमें आपको कोई फायदा भी होगा, हर बार आपको खुद को भी चेंज करना होगा। तो ये लाइन मैं इसीलिए आपको दिखाता हूँ हर एक वेरिएशन, ताकि आप भी अपनी लाइन में कहीं भी दिक्कत हो तो खुद के मुंह ऐड कर सकते हो एनालिसिस करके। एनालिसिस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे B6 के बाद क्या हुआ है। यहाँ H1 A8 डायगोनल वीक है, आप देख सकते हो A8 पूरा डायगोनल वीक है, उसी वीकनेस की बात आज हम कर रहे हैं। नाइट इनटू D5 यहाँ सेम, आफ्टर क्वीन टेक्स D5, बिशप E4, क्वीन D6, नाइट E5, ये ब्रिलियंट मूव है, इस मूव को मैं एक्सक्लामेशन मार लूंगा। बिशप B7, क्योंकि नाइट टेक्स नाइट पॉसिबल नहीं है, बिशप टेक्स रुक मर रहा है, तो यहां पे BB7 फोर्स मूव है, और बिशप F4 फिर डिस्कवर्ड की थ्रेट दे रहे हैं हम। क्वीन और बिशप के बीच में नाइट है, आफ्टर बिशप F6, नाइट G6, अब डिस्कवर्ड भी हो गया, बिशप से क्वीन पे अटैक, नाइट से बिशप को सपोर्ट, ये टैक्टिक सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे क्वीन टेक्स D6, सेक्रीफाइस ऑफ पॉन, सिंपल नाइट इनटू F8, आफ्टर किंग टेक्स F8, क्वीन इनटू D4, बिशप टेक्स D4, Rd1, रुक D8, डिफेंस करना जरूरी है, बिशप टेक्स C6, आफ्टर बिशप टेक्स C6 और बिशप E5 विनिंग द पीस। तो दोस्तों ये भी काफी जबरदस्त गेम है। ये दो गेम हमने देखी, अब देखिए मैं एक और डिस्कस करना चाहूंगा अगली गेम में, व्हाइट्स किंग साइड अटैक सैक्रिफाइस ऑन द किंग साइड, मतलब किंग साइड का अटैक भी है हमारे पास व्हाइट से। कैरोकान डिफेंस ओपनिंग में किंग साइड अटैक कैसे करते हैं और सैक्रिफाइस की योजना, मतलब सैक्रिफाइस कब और कैसे करना है, ये भी आपको दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, कैरोकान के अगेंस्ट पैनो बोटोनिक अटैक बहुत ही मजेदार ओपनिंग है, बहुत ही अटैकिंग है, अग्रेसिव है। E4 C6 D4 D5, इसमें ज्यादा मूव आपको सोचना भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत के 4 मूव तक तो आपको सेम मूव आने वाले हैं। C4 के बाद नाइट F6, अब जितने भी है ज्यादा तो ऑलमोस्ट फोर्स मूव है, नाइट C3, E6, हमने E6 वाले ही गेम देखे हैं आज, उसके बाद नाइट F3, बिशप E7, सी इनटू D5, नाइट टेक्स D5, बिशप D3, सेम पोजीशन आ गई जो आगे हमने देखी है, थोड़ा सा चेंजिंग नाइट C6, लेकिन इससे पहले वाली गेम से बिल्कुल मिलती है पोजीशन, कैसल दोनों साइड कैसल। अब इस पोजीशन में आप देख सकते हो कि आपका जो अटैक है वो पूरा किंग साइड है। रुक E1 अटैक को डेवलप करना है, कैसे डेवलप करते, सबसे पहले रुक E1, A6, यहां पे ब्लैक खेल रहे हैं A6, A6 क्यों कि नेक्स्ट स्टेप में B5 और टेम्पो के साथ वो अपना बिशप डेवलप करना चाहते हैं। यहां पे हम खेलेंगे A3, A3 के बाद रुक E8, कुछ कुछ ब्लैक से गलतियां होती है डेवलप से पहले, रुक E8 पहले जरूरी नहीं है, पहले दोनों रुक को कनेक्ट करो बिशप को निकाल के, मेरा तो एक ही उसूल है, पहले दोनों रुक को कनेक्ट करो ऑलवेज। रुक E8 के बाद बिशप C2 वेटिंग मूव किया है यहाँ पे। अब A3 का मीनिंग आपको समझ आ गया कि जब हम क्वीन D3 खेले तब नाइट B4 नहीं आए, ये थोड़ा दूर का सोच के मूव किया है। तो बिशप C2 ब्लैक खेल रहा है क्वीन C7, अब नाइट इनटू D5,
takes d5 और नाइट g5, ये ब्रिलियंट सैक्रिफाइसेस। अब आप देख सकते हो बिशप इनटू g5 पॉसिबल नहीं है और बिशप टेक्स h7 की थ्रेट भी है, तो यहां पे ब्लैक खेलेगा g6, नाइट टेक्स h7, फिर से सैक्रिफाइस, आफ्टर किंग टेक्स h7 क्वीन h5 चेक, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉन पिन हो चुका है, तो किंग g7, उसके बाद क्वीन h6 चेक, किंग g8 और वन मोर सैक्रिफाइस, बिशप टेक्स g6, पॉन टेक्स g6, क्वीन टेक्स g6, किंग h8 और यहां पे क्वीन क्रॉस e8 चेक, किंग g7, क्वीन h5, क्वीन d6, रुक e3 और इसके बाद ये गेम में ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। तो इस प्रकार आप, ये मैंने पूरी गेम दिखा दी आपको जिसमें ब्लैक ने रिजाइन किया है, तो कैरोकान में किंग साइड अटैक करना इस तरह आपका प्लानिंग होगा। तो आप ऐसे ऐसे प्लानिंग्स, मतलब मूव्स बाय मूव्स देखोगे तो हर एक में पैनो बोटोनिक अटैक से किंग साइड अटैक बहुत ही जबरदस्त कर सकते हो। मेरे नए वीडियो के साथ नए वेरिएशन में हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जल्द ही। मूविंग द क्वीन टू द किंग साइड, मतलब क्वीन को किंग साइड हम मूविंग करवा के कैसे अटैक लेते हैं, उसके बारे में। और भी दोस्तों कैरोकान के लिए मैंने बहुत सारे वेरिएशन रेडी किए हैं जो आपको दिखाने हैं, तो मिस मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकॉन दबा रखिए ताकि सभी वीडियो आपको बैक टू बैक मिलते रहे और बहुत ही मजेदार अटैकिंग लाइन आपकी रेडी हो जाए। टूर्नामेंट के लिए आप जल्दी से तैयार हो जाए, यही मेरी शुभकामना है। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।